मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और सबसे पहले मैं आप सबको ढेर सारी नया वर्ष की शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। और मैं बता दूं कि मैं आज बहुत दिनों बाद ही ब्लॉगिंग कर रही हूं, और स्पेशली मैं आई हूं आज के दिन, 1 जनवरी है, तो मैं आई हूं अपने मैके इलाहाबाद। एक्चुअली क्या था कि हम लोग को कहीं जाना था तो वहाँ नहीं जा पाए, तो इस कारण हुआ कि चलो चलते हैं। स्पेशली हम लोग जो आए हैं वो माता रानी के दर्शन के लिए आए हैं, विंध्याचल जाना है हम लोगों को, उसके लिए हम लोग आए हुए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना प्रॉपर एक ब्लॉग बनाया जाए आज के दिन। तो आज हम लोग अपनी फैमिली के साथ निकले हैं विंध्याचल के दर्शन के लिए, और उसी रास्ते में आपको मैं दिखाती हूँ जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसका जो है वो आज मैं आप लोग को अपने ले चलती हूँ, अपनी जन्मभूमि। वैसे तो मेरा मैका तो है इलाहाबाद में, लेकिन जो मैं जहाँ हुई हूँ वो पड़ता है मेरे नानी का घर, जो कि भदोही में पड़ता है। तो मैं आप लोग को आज वहाँ सबको सबसे मिलवाने वाली हूँ, अपनी नानी, नाना, मामी जो भी हैं वहाँ पे, सब लोगों से आप लोग को इंट्रोडक्शन करवाती हूँ, सबको मिलवाती हूँ, अपने नानी का घर भी दिखाती हूँ। बहुत दिनों बाद, शादी के बाद फर्स्ट टाइम है आज हम अपनी पूरी फैमिली के साथ, मतलब मम्मी पापा और मेरे पापा, मेरे फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड, सब लोग जा रहे हैं नानी के घर। फिर वहाँ से हम लोग दर्शन करने के लिए निकलेंगे। तो चलिए आपको सब कुछ मिलवाते हैं, ब्लॉग में बने रहिएगा। क्योंकि जो आदमी कहते हैं ना कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है, और मतलब जल्दी मिलती ही चीज़ें देखने को, तो आज आपको अपने नानी का घर दिखाती हूँ, नानी से मिलवाती हूँ। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा, लास्ट तक बहुत इंजॉय होने वाला है, बहुत मस्ती होने वाली है। तो चलिए मिलते हैं आगे। तो हम लोग रास्ते में पड़ता है यहाँ पे एक जैन मंदिर, तो ये हो रहा था कि इधर से निकलते हैं तो थोड़ा सा जो भी चीज़ें रास्ते में पड़ती हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड इस रूट पे कभी नहीं आते हैं, तो ये हुआ कि जो भी चीज़ रास्ते में पड़ती है, छोटी छोटी चीज़ें, वो चीज़ आप लोग को दिखाते चलते हैं। तो रास्ते में पड़ा है जैन मंदिर, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा आए हैं घूमने के लिए, आपको दिखाते हैं, उसका व्यू बहुत ही खूबसूरत है ये। ये है जैन मंदिर का पूरा प्रॉपर लुक, जो आप लोग को दिखाते हैं। चलिए ये पाखी, पाखी हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर तो बोलो। माय यूट्यूब फैमिली, सबको हैप्पी न्यू ईयर। तो चलिए ऊपर चलिए, चलो ऊपर चलो, चलिए शूज उतारना पड़ेगा, उतार दो उतार दो, आप ऊपर नहीं चलेंगे, चलिए ना, आइए आइए आइए। हाँ नहीं, सीढ़ी क्यों गिरना होगा, गंदा हो जाएगा ना, नहीं गंदा होगा, चले नहीं बेटा, सॉक नहीं रिमूव करो, ये देखो मम्मा भी पहनी है सॉक, आ जाओ, क्या कह रहे हैं, उठा नहीं रही है फोन, सॉक्स भी उतारना पड़ेगा, सॉक्स भी उतार दो। हम बोलते भी चलते हैं बीच में, चल अच्छा लग रहा है, मजा आए बाकी, फोटो क्लिक करते जाए, वीडियो भी क्लिक कर ले, वो फोटो भी क्लिक, और ये है ऊपर का नजारा, हम लोग चल रहे हैं ऊपर, बढ़िया मस्ती, मम्मी लोग सब लोग, आप भी तो फर्स्ट टाइम ही आए हैं ना, फर्स्ट टाइम आए, मैं आ चुकी हूँ 2-3 बार, लेकिन
बहुत दिनों बाद इस रूट पे भी आना हुआ है, बहुत दिन। चलिए मजा आ रहा है बाकी, बहुत मजा। ले लो यहाँ से, यहाँ ले लो, आ जा रही वाली फोटो। एक मिनट ले रहे, करी करी फोटो, वीडियो भी चल रही है, फोटो भी आ जाएगी। ब्लैक आ रही हूँ मैं, बैक कैमरा चल रहा है ना। चलो कोई अच्छा, यही चढ़ाई, यही चढ़ाई थी उसमें भी है, वैष्णो देवी में भी। हाँ ये हम लोग आ गए ऊपर जैन मंदिर में, टॉप पे जो सबसे ऊपर है। बाकी कितना प्यारा लग रहा है ना ये यहाँ का नजारा। ये देखिए दिखाते हैं, हाँ यह है ऊपर का खूबसूरत नजारा। चलिए अब नीचे चलना है, चलो बाकी। क्या चीज, चलो बाकी मजा आ गई। हम लोग ये चल रहे हैं नीचे, बस उसके बाद यहाँ से निकलते हैं हम लोग नानी के घर के लिए। बीच में सीतामढ़ी पलटती है, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि काफी ज्यादा वहाँ 2-2.5 घंटे लग जाएंगे, फिर विंध्याचल में टाइम लग जाएगा जाने, तो यहीं से हम लोग सीधे डायरेक्ट निकलेंगे नानी के घर, वहां से चलते हैं। अच्छा व्यू आ रहा है उधर से निकलने का है, इधर से एग्जिट है पूरा, मजा आ गया बाकी को। ये हालत चलते हैं यहाँ पे, अब भी अच्छा लगा, मतलब ये कह लीजिए कि थोड़ा सा मतलब है कि ऐसे घूम के देख सकते हैं, बहुत ऐसा मतलब कोई खास स्पेशल नहीं है, बस हाँ ये है कि जैन मंदिर है तो आराम से ऊपर घूम लेते हैं, होता है कि चलो देख लेते हैं, कोई चीज़ होती है रास तो लगता है कि लो एक बार कर लेते हैं। तो हम आ गए हैं नीचे और अब चलते हैं यहाँ से, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं।